नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत के बीसलपुर की सबसे बड़ी दुखद की खबर। मीरपुर बहनपुर निवासी रफीक जो भट्टे पे पताल गांव में मुनिंगिरी का काम करता है, सुबह जा रहा था बरेली की ओर से आ रहे ट्रक ने मारी जबरदस्त टक्कर, जिससे रफीक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक हो गया फरार। बीसलपुर कचहरी परिसर के पार पुलिस ने ट्रक को दबोच लिया और गंभीर टक्कर से उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। मीरपुर बहनपुर का निवासी रफीक, जिसकी पूर्व में ही 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी और घर में रो रो कर बड़ा कोहराम मचा हुआ है। जो रफीक अपनी सुबह ही अपने भट्टे ताल गांव पर मुनिंगिरी का काम करता था और अपने गांव से जा रहा था। ये बताइए आप लोग कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है। आए दिन हादसे होते रहते हैं पीलीभीत में। अगर बात की जाए कल 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। माधव टांडा पर बीसलपुर में लगातार जाम लग रहा था, इसमें कहीं किसी की जिम्मेदारी है। ओवरलोड वाहन, जर्जर सड़कें और एक किस्म की अगर बात मानो तो RTO ऑफिस दलाली का अड्डा बना हुआ है। दलाली का अड्डा मानो या उसे मौत का अड्डा कहो, जबकि लोगों को 4-व्हीलर गाड़ी भी नहीं चला मिलती है, जबकि उन्हें है भी लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं RTO की भी जिम्मेदारी है कि लाइसेंस सही से नहीं बन पा रहे हैं। बगैर रिश्वत से वहां कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जिसे 4-व्हीलर गाड़ी भी नहीं चला मिलती उसे पब्लिक लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन हादसे होते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरलोड पे भी कोई कंट्रोल नहीं, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं। जर्जर सड़कें हो रही हैं क्योंकि RTO ऑफिस में झड़ा दलाली हो रही है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो फिर भी तुम्हारा लाइसेंस बन जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप। क्योंकि कोई यातायात के नियम को कोई पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं RTO ऑफिस की भी जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि बगैर रिश्वत से कोई काम नहीं होता। जब तक दलाली का अड्डा वहाँ खुला रहेगा, मेनू चार्ट लगा रहेगा, तब तक ऐसे ही आए दिन हादसे होते रहेंगे। ये सबसे बड़ी दुखद की खबर है कि आए दिन हादसे होते रहते। कल 3 लोगों की जान गई थी, आज सुबह ही 1 लोगों का हादसा हो गया। कहीं ना कहीं ड्राइवरों की जिम्मेदारी होती है। जो ड्राइवर को सही से चला नहीं मिलता उन्हें भी लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। देखना है इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। बीसलपुर मीरपुर बहनपुर निवासी रफीक अभी जा रहा था सुबह ही अपने तालगांव भट्टे पर मुनिमगिरी का काम करता है। हादसे में हुई मौत, 1.5 माह पूर्व हुई थी शादी।